स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप लगा है, वो किस उपलक्ष्य में और क्या संदेश को लेकर यहाँ लगा है? भाई ऐसा है कि आज से बाबा के घर में दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत हमने मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप और फ्री ब्लड डोनेशन कैंप से शुरुआत करी है। आज बाबा के घर में SRMS के डॉक्टर्स का पैनल आया हुआ है जो कि निशुल्क परामर्श कर रहा है और मिशन हैप्पीनेस के मार्फत से निशुल्क दवाई आज भक्तों को दी जा रही है। ये आज का कार्यक्रम रहेगा। कल एक क्विज कंपटीशन है बाबा पर आधारित, एक कार्यक्रम होगा जिसमें लोग पार्ट लेंगे। परसों से एक साईं दिव्य कथा का आयोजन है जिसमें भाई जी हमारे साईं इंटरनेशनल फाउंडेशन है दिल्ली का, उसके माध्यम से भाई जी यहाँ पर आए हुए हैं और 3 दिन का वो एक साईं दिव्य कथा का आयोजन होगा। 8 तारीख को दशहरा उत्सव है, भंडारा आदि होगा, शाम को बाबा की पालकी निकलेगी, गरबा होगा और 9 तारीख को मनजीत सिंह गायक हैं, उनकी भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। तो ये शुरुआत दशहरा उत्सव की हमने निःशुल्क मेडिकल कैंप से करी है। आज ये आज पूर्णतया निःशुल्क है, परामर्श निःशुल्क है, दवाई बिल्कुल निःशुल्क है। अगर डॉक्टर 5 दिन की दवाई कह रहा है तो 5 दिन की दवाई हम भक्त को निःशुल्क दे रहे हैं। आज साईं बाबा शिरडी में 1858 में आए थे और 1918 विजयदशमी के दिन दशहरे का पर्व था, उस दिन उन्होंने महासमाधि में महानिर्वाण में प्रवेश किया था। जो अंग्रेजी कैलेंडर है और उसके अनुसार वो तारीख 15 अक्टूबर थी। तो पिछले साल 15 अक्टूबर को और दशहरे के दिन बाबा की महासमाधि के ठीक 100 साल संपूर्ण हुए। तो अभी जो विजयदशमी है 8 अक्टूबर को, उसमें बाबा की महासमाधि के 101 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में बाबा को मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में हैं, किंतु बाबा को जानने वाले लोग मुट्ठी भर हैं। तो ये जो श्री साईं दिव्य कथा है उसका एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जो बाबा के भक्त हैं और जो अन्य श्रद्धालु जन भी हैं वो बाबा को मानने के साथ साथ बाबा को जाने भी इस कथा के माध्यम से। तो ये एक उद्देश्य है ये कथाएं करने का। संदेश बहुत साधारण है कि बाबा ने जो 60 साल का लीला कार्य शिरडी में रह के किया, तो उन्होंने जीवन कैसे बहुत सरल हो, सहज हो, सुगम हो, दिन रात उसका संदेश दिया है। और वो संदेश बाबा ने बोल के नहीं दिया है, वो बाबा ने बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं दिया है, उपदेश के माध्यम से नहीं दिया है, वचन के माध्यम से नहीं दिया है। उन्होंने अपना जीवन इस कदर जिया है, हर रोज़ सवेरे से रात तक पूरे 60 साल, हर दिन, हर घंटा, हर पल, हर क्षण, कि उससे वो संदेश स्वतः निकल के आता है। तो जो जिस कर्म में है, जिसको परमात्मा ने जो काम के लिए नियत किया है इस जन्म में, वो काम करते हुए, अपनी गृहस्थी करते हुए, अपनी रोजी रोटी करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, प्रोफेशन करते हुए, आप अपने इष्ट देवता, आप अपने जो भी आराध्य हैं उनसे संपर्क में रहिए, उनके ध्यान में रहिए, उनके सुमिरन में रहिए, उनके साथ योग में रहिए, कनेक्टेड रहिए। बस यही एक बड़ा संदेश बाबा के पूरे जीवन का है।